नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेक रेस्क्यू हरलाल और आज मैं अपने ही गांव और अपने ननियाल के पास में आ गया दोस्तों सांप पकड़ने के लिए। यहां पे कॉल आया, मतलब दीवार के अंदर छेद है, उसके अंदर कोबरा सांप घुस गया था जो हमारे नंबर इधर कैसे जुटा के मतलब हमारे कॉल किया और हम यहां पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों थोड़ा ही दूर है तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तब तक बने रहेगा वीडियो में और आगे की लोकेशन हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हम चल रहे रास्ते में और बहुत ही करीब आ गए गाँव के। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो में और रेस्क्यू वीडियो देखिएगा पूरा। देख सकते हो बिल्कुल आगे पास। तो दोस्तों देख सकते हो हम पहुंच गए यहाँ पे और कैसे इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो हम गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं और तो दोस्तों चलते हैं घर के अंदर। ये छोटी सी मुन्नी हमको घर के अंदर लेके जा रही है, सांप दिखाई है मतलब कहाँ पे घुसा था ये। तो दोस्तों ये देख सकते हो घर की लोकेशन और चलते हैं जहाँ पे सांप घुसा था, कच्ची दीवार की बोल रहे थे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये है कच्ची दीवार और यहाँ इस छेद में सांप घुसा था। ये भाई साहब है, इन्होंने हमारे नंबर जुटाकर हमें कॉल किया और हम यहाँ पहुँचे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो अब हम घर के बाहर आ गए और देखते हैं नीचे, पहले नीचे का देख लेते दीवार। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा था इनको तो हमने दीवार तोड़ दी और तोड़ के सब कुछ ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। तो अब और कोशिश करते हैं हम और आपको वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहे और हमारा तो दोस्तों जैसा ही देख सकते हो घर के अंदर बाहर सब तरफ ढूंढने के बाद भी नहीं मिला और एक कमरा था, कमरे के अंदर से छेद के अंदर से अंदर चला गया। तो दोस्तों इसको हमने ये वापस भागते हुए पकड़ लिया, देख सकते हो आप वीडियो में। और ये देखो डराने की फुल कोशिश में, हमको डराने मतलब फन वगैरह कर रहा है। तो दोस्तों इसको ले, तो जैसा कि देख सकते हो आप सांप अंदर चला गया, मुँह अंदर ले लिया, कब बाहर निकल जाए पता नहीं। तो दोस्तों इससे खतरा हो भी सकता है नहीं भी, ये देखो आगे से मुँह निकाल लिया इस सांप ने। तो दोस्तों देख सकते हो इस सांप को हमने बाहर निकाल लिया, अब लेके चलते हैं इसको नीचे। देख सकते हो कितने ऊपर आके निकला था सांप, ये पक्का घर दिख रहा है इसके अंदर था। तो दोस्तों हमने इसको बहुत मेहनत के बाद निकाल लिया और देख, तो दोस्तों इसको लेके चलते हैं नीचे। देख सकते हो आप कितना बड़ा सांप है, फुल साइज का है और नीचे पब्लिक देख सकते हो आप, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब खड़े हैं सांप देखने के लिए। फर्स्ट बार आया था इस गाँव में सांप पकड़ने के लिए। तो आराम से नीचे उतरते हैं और लेके चलते हैं इसको। तो दोस्तों देख सकते हो हमने इस सांप को घर के बाहर निकाल लिया बिल्कुल रास्ते में और लोगों को देख सकते हो आप, लोग वगैरह बच्चे वगैरह सब देख रहे हैं सांप को, फर्स्ट बार पकड़ा था इस गांव में सांप। तो दोस्तों ये कोबरा प्रजाति के सांप है, हिंदी में इसको नाग भी बोला जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है जो इंसान के शरीर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे सांपों से बच के रहें और खुद कभी मारने की कोशिश ना करें और ध्यान रखें और रेस्क्यूअर वगैरह को बुलवा के मतलब रेस्क्यू करवा दें, नहीं तो मतलब मारने मारने के चक्कर में बहुत सारे अपनी जान गवा बैठे दोस्तों। तो दोस्तों सांप काटने के बाद आप मतलब किसी बाबा वगैरह झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहें और डायरेक्ट हॉस्पिटल की सहायता लें, उसमें ही आपका फायदा है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं कैसे फन के हाथ लगा रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी नज़र बिल्कुल मेरे पैर के ऊपर है, मैं आगे से पैर हिला रहा हूँ तो बिल्कुल कम चांस होता है इनका पीछे घूमने का। तो देख सकते हो ऐसे हाथ लगा दिया, मतलब इसको पता ही नहीं चलने दिया मैंने कि मतलब पीछे क्या है। तो दोस्तों इसे ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हुए इसको हमने डिब्बे के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अन्य लोगों तक पहुँचाइएगा। इस डिब्बे के ढक्कन लगाना है, तो दोस्तों इसका मुंह ऊपर आने की कोशिश है, बस ऊपर आते ही मैं ढक्कन लगा दूंगा और इसको। तो दोस्तों जैसा ही आपने वीडियो में देखा हमने सांप को कैसे रेस्क्यू किया, कितनी मेहनत कितनी मुश्किल से। तो दोस्तों देखो मतलब कोबरा सांप पहले घर को दीवार वगैरह तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, जो छत के छान के ऊपर वो है वो ये जो सबको फोड़ दिया हमने, और उसके बाद बावजूद भी सांप नहीं मिला था। डबल मंजिल के एक छेद था उसके ऊपर चला गया सांप और कमरे के अंदर चला गया दोस्तों, तो हमको पता चला और हम उम्मीद बिल्कुल उम्मीद ही हार गए थे। तो भी वहाँ लास्ट एंड में हमने वापस कोशिश की और उसके बावजूद ये रेस्क्यू कर पाए। और वीडियो में आपने देखा मतलब कितनी मेहनत लगी, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हमने वो दीवार तोड़ने में ये करने में लगा। तो दोस्तों देख सकते हो कोबरा सांप है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है और ये सांप को देखते ही आज जागरण वगैरह ये चल रहे हैं अभी, जो देखते ही हमारे कॉल किया कहीं से नंबर जुटा के घनश्याम और भगवती लाल कछावा जो कि कपासन के पास काछेगढ़ी गांव है वहाँ से इस सांप को रेस्क्यू किया। बहुत ही खतरनाक जहर होता है इसका। तो दोस्तों ऐसे आप भी अन्य जानवरों को जीवों को बचाएं और हमारी हेल्प लें, या आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रेस्क्यूअर हो तो उनसे संपर्क करें, ऐसे बेजुबान जानवरों को मारे नहीं और हमारे मतलब पर्यावरण के लिए ये भी अच्छे होते हैं, इनको भी हमारे जितना जीने का हक है उतना इनको भी है। तो दोस्तों इनको मारे नहीं, कोबरा सांप है ये
और दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करना और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाए, आप तक ला पाए, नोटिफिकेशन ऑन करें। देख सकते हो दोस्तों कोबरा सांप, ये कोबरा सांप है दोस्तों, इसको निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों ऐसे सांपों को कभी मारे नहीं, बचाए। देख सकते हो कोबरा सांप कितना बिल्कुल ब्लैक। दोस्तों देखते ही हमें कॉल किया और हम यहाँ पे पहुँच गए थे कपासन, और बहुत ही मेहनत लगी दोस्तों, आप वीडियो में देखे ही हुए आपने। देख सकते हो दोस्तों फन वगैरह। तो दोस्तों ऐसे आप भी सांपों को मारे नहीं, बचाएं और हम रेस्क्यूअर की हेल्प करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और बहुत खतरा, आपको पता है हर एक चीज़ पे खतरा ही खतरा, मतलब इसमें मौत का खतरा इतना है कि पूछो ही मत आप। देख सकते हो कोबरा सांप, इसको हमने निकाल लिया बाहर पूरा, बिल्कुल जंगल है देख सकते हो, ये अंधेरा भी हो गया दोस्तों, रेस्क्यू किया और बाइक वगैरह भी ख़राब हो गई थी उसके हिसाब से हम लेट हो गए। तो दोस्तों इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए हम इसको जाने देते हैं, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिएगा बस, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।